क्रिश्चियन संगीत पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वार्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कैसे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वार्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप क्वार्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस साइड पर ऐड का बटन मिल जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहां पर आपका स्टेट लोकेशन और ब्रांच भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे आपका नेम और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आपसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर मांगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। आपको गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम जल्दी से क्लिक कर देते हैं। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको करना होगा। चलिए हम जल्दी से अपना ओटीपी कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल इसने ले ली है। इसके बाद आपको वेरीफाई पैन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पैन कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपकी पैन कार्ड की डिटेल ये अपने आप ले लेगा। हाँ, वहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी होम ब्रांच पूछेगा। होम ब्रांच करने के बाद आपको आई एग्री टू पर क्लिक करना होगा। चलिए हम देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी मदर नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी मांगेगा। चलिए हम जल्दी से अपनी मदर नेम और फादर नेम पर ईमेल आईडी कर देते हैं। फादर नेम और ईमेल आईडी करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। चलिए हम अपना मैरिटल स्टेटस कर देते हैं। हम मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन में फार्मर है तो फार्मर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपकी इनकम पूछी जाएगी। चलिए हम अपनी इनकम को कर देते हैं। करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनेशन डिटेल फिल करनी होगी। चलिए हम अपनी नॉमिनेशन डिटेल फिल कर आपका नॉमिनेशन नेम पूछेगा। इसके बाद रिलेशन पूछेगा और डेट ऑफ बर्थ। नॉमिनेशन डिटेल फिल करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं। अपने डेबिट कार्ड पर जो भी नाम चाहते हैं उसे भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए हम अपना ओटीपी फिल कर देते हैं। बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है और हमें अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड मिल चुका है। साथ में हमें अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल चुका है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए।